हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे और घर पे होंगे। जैसे कि कोविड का सिचुएशन इंडिया में बहुत ही ख़राब हो चुका है और यहाँ यूएस में भी है, बट इंडिया के कंपैरिजन में अभी कम है। तो इस कोविड डेज में बच्चे को बिजी रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए आज मैं आई हूँ एक और फ्रिंडो क्लास के वीडियो के साथ, जो कि होगा एक मंथ का एक्सपीरियंस जो कि मेरी बेटी कर चुकी है, तो मैं आप लोग के साथ वो शेयर करूँगी। लास्ट वीडियो में जो मैंने बनाया था वो था अनबॉक्सिंग, और उसमें क्या क्या डिटेल्स होती है उसकी वीडियो थी वो। तो आई होप कि आप लोग वो वीडियो देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक यहाँ ऊपर में पॉपअप होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। तो आज मैं वन मंथ का शेयर करूंगी। लास्ट वीडियो मैंने वन वीक का एक्सपीरियंस और अनबॉक्सिंग शेयर किया था। आज मैं डे 5 से लेकर डे 12 तक, मीन्स वन मंथ का शेयर करूंगी। आप लोग चाहते हैं कि सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ का भी मैं आप लोग के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसका भी वीडियो एक बनाऊंगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो मेरी बेटी के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, अगर आप चाहते हैं तो आप भी इसे ले सकते हैं और बच्चे इंजॉय करते हैं। इसमें बहुत कुछ होता है जो कि मैं बता चुकी हूँ, फिर से मैं बता देती हूँ। एक्टिविटीज होती है, लेटर ट्रेसिंग बुक होता है, मैथ्स की एक्टिविटी होती है, मैथ्स का बुक होता है, इंग्लिश का होता है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिससे बच्चे बहुत खुश होते हैं। और इसकी क्लासेज होती है, रिकॉर्डेड क्लास होता है, आप कभी भी करवा सकते हैं। सुबह 8 बजे ये अनलॉक होता है, उसके बाद से आप कभी भी, जब भी आपको टाइम हो, आप अपने बच्चे के साथ बैठ के, हाँ एक पेरेंट्स का बैठना उसके साथ ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होता है जो बच्चे नहीं कर पाते, तो उसमें उसकी हेल्प करनी पड़ती है। और 1 घंटे का क्लास होता है, और अदर डे, जैसे ये मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे क्लास होता है, और अदर्स डे पे स्टोरी टेलिंग की क्लास होती है, जैसे कि ट्यूसडे एंड थर्सडे को। तो सारी डिटेल्स मैं दे चुकी हूँ लास्ट वीडियो में और इसमें भी मैंने बता दिया है। तो आई होप कि आप लोग अपने बच्चों के लिए ले, और प्राइसिंग डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर देते हैं। आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो जब क्लास स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वार्म अप सॉन्ग होता है, फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है। तो ये सॉन्ग हो रहा है तो कि ताकि बच्चे पहले हैप्पी हो जाते हैं बहुत, और उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी। Close your eyes and what do we do? We think happy thoughts. Breathe in through your nose. Big breath and out your mouth. Big breath in. Out. तो ये है डे 5। इसमें कुछ क्यूब्स दिए गए हैं और कुछ बीट्स हैं और रॉड है, जैसे कि आपने पहले भी देख चुका है डे 2 में। तो इसमें बच्चे पहले बीट्स डालेंगे, फिर क्यूब्स डालेंगे और बताएंगे कि विच वन इज़ बिगर एंड विच वन इज़ स्मॉलर। तो नंबर कौन सा किससे बड़ा होता है, बेसिकली ये उसके बारे में है एक्टिविटी। तो ये मैथ्स एक्टिविटी है और ये डे 5 का है। कैन यू काउंट? 5. तो मैंने उससे पूछा कि विच वन इज़ बिगर, तो उसने बताया कि 5 बिगर है और 5 से छोटा 4 है। तो वही मैं उसे बता रही हूँ कि कौन सा नंबर किससे बड़ा होता है। तो ये मैथ्स की एक्टिविटी है। अब हम लोग आ जाएंगे डे 6 पे। इसमें पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ है, इसमें एक्सटर्नल पार्ट इंटरनल पार्ट दोनों हैं। चलो सबसे पहले दिस। What is this, Manya? Head. Okay. Eye. Good job. Where did it go? Find it. Me and show me where is eyes. Good job. It can work. Yes. What? Not working. Pink. Pink. Yes. Pink. Does it, Manya? What is this? Head. Eyes, ears, mouth, nose, hand, arm, foot, leg. These are
external part of bodies. Yes, these are external part of bodies. Then remove it all. Good job. And then put it this one. And what is this? It's a internal parts of body. Good job. Then chalo laga do first brain. What is this, Manya? Brain. Chalo laga do brain. Brain. And what is this, Manya? Lungs. No. What is this? Hurt. Okay, good job. Put hurt. It's stuck here. These are internal body parts. Okay, good job. What is this? Brain. Heart. Lungs. Stomach. Good. Clap, clap. और ये है डे 7. इसमें एक लेटर है, कुछ पॉम पॉम्स है और इसमें पार्ट्स ऑफ बॉडीज है लेटर टी से. व्हाट दिस लेटर इज? टी. टी मेक्स अ साउंड. देन व्हाट इज दिस, मान्या? टीथ एंड टोज. देन कलर इट. तो इसमें टी को पहले फिंगर से ऐसे बनाना है, उसके बाद से उसे क्रेयोन से कलर करना है. टी हाइलाइटेड है इसमें. टी से कौन से पार्ट्स ऑफ बॉडीज होते हैं वो बताया गया है. व्हाट द थ्री बॉडी पार्ट्स स्टार्ट फ्रॉम टी? ओके गुड. देन पुट अ पॉम पॉम. चलो लगाओ सब में पॉम पॉम लगाओ जल्दी. तो ये पॉम्पम लगा रही है. उसके बाद से पॉम्पम लग गया है तो उसे फिंगर से बताना है कि टी कैसे बनता है. उसके बाद फिर वो ट्रेसिंग पे करेगी खुद से. और अब हम लोग आ जाते हैं डे 8 पे. तो डे 8 में हम लोग को कलर्स और नंबर वाइज बीट्स लगाना है. फिर से मैथ्स की एक्टिविटी है. व्हाट दिस नंबर एंड कलर? रेड. गुड जॉब. नेक्स्ट purple, red. Okay, put purple and red. This. And what the number is this? 3. And color? Yellow. Blue. Purple. Good job. Red. Manya, can you count? 1. 1, 2. Ten. 1, 2, 3. Then 1, 2, 4. 4. 1, 2, 3, 4, 5. What is number? 5. And usse chota? 3. Nahin, usse chota 4. 4. Usse chota? 3. 3. Usse chota? 2. And sabse chota? और ये है डे 9. इसमें कुछ कलरफुल फेदर्स हैं जिसमें बच्चों को अपने हैंड पर रख के इसे ब्लो करना है और कलर बताना है. ये फन एक्टिविटी है. माने इसमें कौन कौन सा कलर है मुझे बताओगी? ग्रीन, पिंक, ऑरेंज और पर्पल. तो अब आ जाते हैं डे 10 पे. डे 10 में एक हाउस है. इनसाइड ऑफ हाउस एंड आउटसाइड ऑफ हाउस. तो इसमें क्या क्या होते हैं हाउस के इनसाइड पे और आउटसाइड पे क्या क्या होते हैं ये बच्चों को बताना है और हम लोग उससे पूछेंगे. हाउस हाउस है ना. हाउस का ये कौन सा एरिया है? टॉयलेट. ओके. एंड ये कौन सा एरिया है? Bedroom. And this one is? Living room. Living room में क्या क्या है? Sofa. And? Drawers. And? Lamp. And? Window. And what is this, Manya? This area called? Kitchen. ये क्या है, Manya? Cup. Cup. और क्या है किचन में? Fridge. और ये है? Drawers and all. Drawers and gas stoves. क्या है? Drawers and gas stoves. And what is this now? ये क्या है? मैं. तो ये कौन सा गेट है? Front door.
फ्रंट डोर, गुड जॉब। और ये क्या है मान्या? गैराज। गैराज, गैराज में क्या है? सी मेक्स अ साउंड। ख ख ख। एंड व्हाट इज दिस? कार। एंड व्हाट इज दिस? एम मेक्स अ साउंड। मेन डोर एंड गैराज। एंड दिस वन इज बालकनी। क्या ये बालकनी में ये सब क्या लगा हुआ है? फ्लावर्स। एंड फिर इसको ओपन करेंगे तो ये इन साइड ऑफ हाउस विदाउट रेन। ओके, लेट्स सी। एंड दिस ट्रेन हैज गॉट नंबर्स ऑन ईच कैरिज एंड दे डिफरेंट कलर्स। इस तरह से पहले क्लास में एक्टिविटी कराई जाती है, फिर मैं उसे रिपीट करवाती हूँ। तो ये स्ट्रिंग है, इससे ट्रेन बनाना है नंबर वाइज। तो बस यहीं पे कहीं कहीं पे हेल्प लगती है, तो मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ ये बनाने में। तो मैं उसे अंदर कर रही हूँ, तो वो पुल कर रही है। और उसके बाद ये लीजिए, ट्रेन हमारी बन गई। नाउ मान्या स्टार्ट। तो ये हाउस बनाना है। ये सारे इसके शेप्स दिए हुए हैं कि जो जो ये शेप्स है वहां पे ये लगाना है। तो ये शेप्स ढूंढ ढूंढ के हाउस बना रही है मान्या। कौन सा शेप कहाँ है, बस मैं उसे बता रही हूँ कि इसमें कौन सा शेप लगेगा, तो वो खुद ढूंढ रही है। ये सारे मटेरियल्स दिए रहते हैं उसमें, अलग अलग शेप, अलग अलग कलर। तो इस तरीके से डे 12 है। तो गुड जॉब, क्लैप। तो ये इसी तरह से और भी तरह तरह के हाउस के ऐसे शीट्स दिए हुए हैं और ये शेप्स है, और ऐसे ही इसे लगाना है। डे 12 का ये है एक्टिविटी। विच वन इज स्टार्ट फ्रॉम टी? जो टी से स्टार्ट होता है वो पिक करो। गुड जॉब, चलो साइड रखो। इसमें ए से जो स्टार्ट होता है वो पिक करो। गुड। व्हाट इज दिस? एंट्स। एंट्स, एंट्स ऑल अराउंड। एंट्स, एंट्स ऑल अराउंड। एंट्स, एंट्स ऑल अराउंड। What is this? X. Pick one. Good. तो ये सारे फ्लैश कार्ड हैं और किस वर्ड से कौन सा स्टार्ट होता है फोटो देख के उसे पहचान जाती है वो। और जैसे मैं ए पूछ रही हूँ तो ए किस में आता है वो बता रही है। Which one is? Elephant. और कौन सा है? वो है? नहीं है। What is this? What is this? Question mark. Question mark. तो ये सारे फ्लैश कार्ड जो जो वर्ड उसको पढ़ा दिए गए हैं क्लास में, जैसे ए, एस, टी, तो बिगनिंग में और मिडिल में, इनसाइड में कहाँ पे आता है और किस में है वो मैं उससे पूछ रही हूँ, तो वो बता रही है। तो पहले ये सारे क्लासेस में करा दिए जाते हैं, फिर से मैं उसे करवाती हूँ। गिटार। तो गिटार में कहाँ है ए? तो मैं पूछ रही हूँ कि टी इसमें कहाँ आएगा, तो वो बता रही है। आर कहाँ आएगा, तो वो बता रही है। ये है लेटर ड्रेसिंग बुक। तो इसमें पहले लोअर केस है, उसके बाद इसमें अपर केस है। तो यहाँ से मान्या ने स्टार्ट किया था लिखना, ये देखिए ऐसे सी लिखी है, और फिर यहाँ से अपने आप से लिखना था, और फिर एम लिखी है ये, और फिर यहाँ स्टार्ट होता है अपर केस का।
तो इसी तरीके से लिखना है इसमें। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे ए। तो ये लेटर ट्रेसिंग बुक है, इसमें पहले लोअर केस लिखती है, फिर अपर केस लिखती है, तो उसके बाद वो अपर केस लिखेगी। तो इस तरीके से डॉट पे वो लिख लेती है, और फिर जहाँ बिना डॉट के लिखना होता है थोड़ा सा हेल्प करना पड़ता है, फिर लिख लेती है। इसके आगे मैं दिखाऊंगी कि सी मेक्स अ साउंड, एस मेक्स अ साउंड, किससे क्या साउंड निकलता है वो पहले उसको बताया जाता है, फिर मैं उसे वो रिपीट करवाती हूँ। एस मेक्स अ साउंड, देन व्हाट इज दिस? What is this? Seven. And what is this? Spider. What is this? Ring. R makes a sound. Ring. What is this? Ring. Okay. And what is this? Rocket. And what is this? Rabbit. C makes a sound. Cut, cut. Then what is this? Corn. What is this? Car. M makes a sound. Then what is this? Monkey. What is this? और फर्स्ट मंथ में ये सारे बुक्स भी हैं, जैसे जॉली जॉली राइम्स बुक है, माय बिग बिग फैमिली, फाइव सेंसेस, और ये कुछ स्टोरी बुक हैं, और उसके साथ ये कॉपी भी फ्री मिली है इसमें लिखने के लिए। तो ये था वन मंथ का एक्सपीरियंस जो कि मेरी बेटी की, और आपने देखा कि उसने कितना एंजॉय किया, और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इसी तरीके से एंजॉय करें तो आप इसे ज़रूर लें। और इसका ऑनेस्ट रिव्यू मैं दे रही हूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है अपनी बेटी के लिए, और मेरी बेटी इसमें बहुत खुश रहती है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था, आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आया हो। सेकेंड एंड थर्ड मंथ का अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं बहुत ही जल्द अपने एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।